उधरला और निकल जाना उधर। क्या तरीका है भाई सोने का। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से नए व्लॉग में शुरू हो चुके हैं हम। नए दिन से पहलगाम में हमारा ये सेकंड डे, कल का दिन फर्स्ट था, कल हम पहुंचे थे। तो अभी यहाँ पर सारा हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हम आज के दिन में क्या करेंगे और कहाँ घूमेंगे, बाकी सारा हिसाब वगैरह चल रहा है। तो चलना अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग भाजी सारिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो स्मार्ट बॉय बल्ले बल्ले भाई, लहरे बहरे लगी हैं, मौसम का फुल इंजॉयमेंट हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, नहाने का भी दिल नहीं कर रहा अभी तो उठे हैं। और टाइम हो रखा है भाई सुबह के कुछ 8 बजे के आसपास, अभी 8 बजे हैं, उठ गए हैं, नहाएंगे धोएंगे, हिसाब किताब सारा बाल टाल में होएगा अपना, बाद में देखेंगे, वो चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा अभी जो है टेंशन वो है कि आज के दिन कहाँ इंजॉय करेंगे। सोच रहे हैं बेताब वैली चले जाएं, अगर बेताब वैली का मन हुआ तो जरूर जाएंगे आगे। पर्दे बदला दो, मेरिया अखा मेनू बड़ी चीशी अड़ती यार, साल ऐसे पर्दे लगे आया सूट पाया। किन्ना टाइम लगना नाश्ते नूं? नाश्ते नूं तो 15-20 मिनट, 15 मिनट भाई अभी और लगेंगे ब्रेकफास्ट को, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा रेडी हो जाएंगे और देखते हैं बेताब वैली जाना है कि आज यहीं पे एंजॉय करना है। वैसे तो रूम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि आपस में हंसी मजाक हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वो ऐसी बात है, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे को भी बात लगती है, तो एक दूसरे को बात में ब्लॉग में देखेगा वो लड़ेगा आपस में आगे। तो इसलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं थोड़ी देर रूम में, फिर प्लान करेंगे शाम को बेताब वैली जाने का। तब तक आप व्यू चेक करो। ये तो मतलब होटल से ना अपना लव लव हो गया लव, क्योंकि इधर से सारा व्यू नजर आता है, बहुत शानदार व्यू नजर आता है यहाँ से। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, कैसा है ब्रेकफास्ट, कैसा बना है? बहुत बढ़िया, सारे रेडी करें। प्योर देसी घी की प्रिपरेशन है, प्योर प्योर देसी घी की प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा। प्लेट कुछ आ गया चावल के या तो ये रही भाई सब्जियां, पूरियां फ्रेश आ रही हैं, फ्रेश पूरियां बनाले बनानियां कोई ना जो भाई तुम्हें ताज की थी हमारे जोंटी सिंह जी नाश्ता करते हुए, सम्मा जी अपने सीए सन, ये देखो पंजाब की जवानी को क्या हो गया हुआ है। वो देखो जीजू नाश्ता करते हुए, मैं क्या, ये देखो पंजाब की जवानी को क्या हो गया।
तो भाई ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी जा रहे हैं, बस एक चक्कर लगाने पहलगाम का, देखें कोई मॉल चाल, बाकी शाम को निकलेंगे घूमने के लिए। अभी एक मतलब ब्रेकफास्ट को पहचानने के लिए एक चक्कर लगा ले जरा। ये सब तो स्मार्ट बच्चा अपने बच्चा पिछल गया। ओ भाई तो फाइनली वैली के पास आ चुके हैं। ये पिता वैली नहीं है, जस्ट यहाँ पे पानी में बह रहा है। ये होटल्स हैं, थोड़े रूम्स हैं, होटल्स हैं उनके पास। ओ भाई साहब क्या ही सीन है, क्या ही आवाज़ है भाई, बड़ी सुकून वाली आवाज़ है यार ये। मन को शांति मिलती है इसी जगह आके ना। कुछ लोगों का भाई सपना होता है कि नहर के पास ऐसे होटल हो, वहाँ पर रहें और बिल्कुल मतलब उठते ही सार ठंडे पानी में बिल्कुल नहाने जाए। तो भाई वो सपना आप क्या हम आपके लिए सच करेंगे। वीडियो को बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि कब हम पहलगाम से निकल रहे हैं, पहलगाम में देखने के लिए क्या क्या है। सबसे पहले भाई पहलगाम में घूमने के लिए आप बेताब वैली जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सीन होते हैं, जहाँ पर जो सनी देओल आई थिंक जो उसकी मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ पर। भाई पहलगाम से लोकल टैक्सी जाती हैं, आप बेताब वैली जा सकते हैं। बाकी पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, पानी की आवाज़ में आपको समझ लगेगा। पहलगाम में बहुत लोगों का सपना होता है कि यहाँ पर हमको रिजॉर्ट के पास में ऐसे पानी वाली जगह पे हमको रहने को मिले। तो भाई यहाँ पर आप रूम्स ले सकते हैं बिल्कुल वैली के पास में, और सुबह उठते ही ठंडे पानी में नहाने का जो मज़ा है भाई, वो सपना आपका सच होगा। क्या नाम है? लिदर। लिदर, लिदर रिवर, लिदर। तो भाई ये जो सरोवर का नाम है, ये जो बह रही है नदी बह रही है, इसका नाम है लिदर रिवर। मुझे नहीं पता, मुझे अभी विशु भाई ने आके बताया। तो चलो अच्छी बात है, कुछ नया हमको भी सीखने को मिला, कुछ आपको भी मिला। तो भाई लिदर रिवर के पास जो भी रिजॉर्ट्स हैं, एक नंबर रिजॉर्ट्स हैं, कमरा आपको कुछ इसमें 1500 2000 2500 के बीच बीच में रूम मिल जाएगा। बाकी आपकी जो बार्गिन कर सकते हैं आप वो कर लें उस हिसाब से, क्योंकि हर एक का बजट आउट भी होता है, इन भी होता है, कोई बजट में भी होता है। तो अपने बजट के हिसाब से अपने रूम्स देख लें। और मैं कहता हूँ अगर आप पहलगाम आए हैं तो प्लीज़ वैली के पास में ही, इस लिदर रिवर के पास में ही अपना रूम लें। चप्पल कितने गई? रोड की पानी की किन्ने क्या पैर पान रघु की चप्पल चल गई पानी नंगे पैर ही हो गया।